नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एमपी के कॉलेजों में अधूरी तैयारी के साथ शुरू कर दिया स्नातक चतुर्थ वर्ष कोर्स, अब तक किताबें भी तैयार नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में इस सत्र से स्नातक 4 साल का किया गया है। इसमें दो तरह के विकल्प ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रवेश की संख्या काफी कम है। अब तक 1000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। 20 अगस्त तक यूजी चतुर्थ वर्ष में प्रवेश मिलेगा, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग किताबें तैयार नहीं करवा पाया है। इससे चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे शुरू हो पाएगी। सुपर 100 प्रवेश परीक्षा में रीवा से सर्वाधिक 58 विद्यार्थियों का चयन, लगा गड़बड़ी का आरोप। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की सुपर 100 कोचिंग में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम सामने आते ही गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। 3 दिन पहले जारी परीक्षा परिणाम में रीवा जिले से 58 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें भी अधिकतर विद्यार्थी एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। इस परीक्षा में 304 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि 13 जिलों से एक भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है। अन्य केंद्रों के सफलता औसत से कहीं अधिक विद्यार्थियों के चयन पर अभिभावकों ने प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीयन का आज अंतिम अवसर, 7 अगस्त को जारी होगी पात्रता प्रावीण्य सूची। मध्य प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का पात्रता के लिए सोमवार को छात्र छात्राओं के पास अंतिम मौका होगा। इसके बाद नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ऐसे छात्र छात्राएं जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से चूक गए हैं, वह यदि पंजीयन कराते हैं तो CLC में सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनलों को जोड़ेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इंदौर में हुई बैठक में बना लक्ष्य, सोशल इंजीनियरिंग के कार्य वर्ष भर चलाने के संकल्प के साथ रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की इंदौर में चल रही 4 दिवसीय बैठक का समापन हुआ। सोशल इंजीनियरिंग के तहत मानव व्यवहार और सामाजिक पैटर्न का अध्ययन कर लोगों को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। बैठक में तय किया गया कि डॉक्टर, इंजीनियर सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनलों को जोड़कर उन्हें सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्षा भर की कार्य योजना पर गहन मनन के बाद अब इसे साकार रूप देने की जिम्मेदारी देश भर से आए करीब 180 संपर्क और सहसंपर्क प्रमुखों को प्रदान की गई। इसे क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। उज्जैन में तैयार हो रहा एमपी का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, रोपे जाएंगे दुर्लभ प्रजातियों के 400 औषधीय पौधे। किसी सरकारी महाविद्यालय के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, औषधीय उद्यान उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में तैयार हो रहा है। लगभग 25,000 वर्ग फीट के गार्डन में 1,600 गड्ढे खोदे जा चुके हैं, जहां 400 दुर्लभ प्रजातियों के 1,100 औषधीय पौधे सोमवार से रोपे जाएंगे। ऐसा उज्जैन को औषधीय पर्यटन और शोध का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना सन 1969 में हुई थी। वर्तमान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ने को यहां 415 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इन्हें पढ़ाने को विभिन्न श्रेणी के 30 शिक्षक नियुक्ति है, 32 पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा और रागी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्री अन्न के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्वसहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है, वह योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसका भी सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीजी कोर्स एडमिशन में हट गया एमपी का कोटा, दूसरे राज्यों के छात्रों को दे दी सीट। नैक ए प्लस ग्रेड प्राप्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विश्वविद्यालय के विभागों से संचालित होने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश के होनहार छात्र छात्राओं को नजरअंदाज कर दिया है। ये गड़बड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IMS के प्रमुख MBA पाठ्यक्रम में देखने को मिली है, जिसमें प्रदेश में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी वाले विद्यार्थियों का हिस्सा घट गया है, बल्कि यूपी बिहार और झारखंड के छात्र छात्राओं ने 92% सीटों पर प्रवेश मिला है। अब विश्वविद्यालय का कहना है कि MP कोटा हटा दिया है, मगर प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ प्राध्यापक व अधिकारी कोटा हटाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। MP में मसालों के लिए बनेगी अलग मंडी, प्रदेश के संतरे और केले को सरकार दिलाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। इस बारे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्वसहायता समूहों का भी गठन किया जाए। प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स्थापित कर आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। MP के शासकीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, रक्षाबंधन के पहले होगा महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान, प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुगतान रक्षाबंधन के पहले कर दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग में सभी विभागों को दूसरी किस्त की राशि भी उपलब्ध करा दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, इससे पहले 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। NIT IIIT की 13,466 सीटें अभी भी खाली, 98 कॉलेजों की 567 च्वाइस भरने का मौका। देश के NIT IIIT सहित 98 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की जोसा काउंसलिंग के बाद खाली रही सीटों के लिए CSAB द्वारा 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग 14 अगस्त तक हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग प्रारंभ हो चुकी है। च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि 3 अगस्त शाम 5 बजे तक है। CSAB वेबसाइट पर जारी की गई खाली सीट मैट्रिक्स के अनुसार NIT IIIT सहित 98 कॉलेजों की कुल 13,466 सीटें खाली हैं, जिनमें 32 NIT की 5,118 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 3,974 एवं फीमेल पूल से 1,148 सीटें, 26 IIIT की 2,534 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 2,154 एवं फीमेल पूल से 380 सीटें एवं 35 GFTI में कुल 5,814 सीटें, जिनमें जेंडर न्यूट्रल पूल से 5,645 एवं फीमेल पूल से 169 सीट शामिल हैं। जबलपुर से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा 1 सितंबर से होगी शुरू, शेड्यूल जारी। इंडिगो विमानन कंपनी 1 सितंबर से जबलपुर से बेंगलुरु की विमान सेवा प्रारंभ कर रहा है। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। विमान में सीट की बुकिंग भी जारी है। इंडिगो द्वारा 1 सितंबर से इस रूट पर विमान सेवाएं शुरू की जा रही है। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। यह विमान सप्ताह में 4 दिन जबलपुर और बेंगलुरु के बीच उड़ान भरेगा। शेड्यूल जारी होते ही इसका फेयर न्यूनतम 5,500 रुपए जारी किया गया है। इस विमान के शुरू होने से एक बार फिर जबलपुर सीधे दक्षिण से जुड़ पाएगा। सफल से पता चलेगा बच्चों के सीखने का लेवल, इंदौर के 20% स्कूलों ने ही कराया रजिस्ट्रेशन। स्कूलों में छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पता करने के लिए CBSE बायड ने 3 साल पहले स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग यानी सफल टेस्ट शुरू किया था। इस बार सफल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है। इसमें जनवरी में स्कूलों को इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, हालांकि तय मानक पूरे नहीं होने के चलते इंदौर के करीब 20 स्कूलों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। सफल टेस्ट 22 जुलाई से शुरू हो चुके हैं,
जाए 12 अगस्त तक चलेंगे। बताते चलें कि CBSE की तरफ से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करने के लिए सफल ऑनलाइन टेस्ट शुरू किया गया है। इस बार यह टेस्ट 3री, 5वीं, 6ठी और 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स का लिया जा रहा है। MP में 5 अगस्त तक बढ़ाई ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की अवधि। प्रदेश में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग अब 5 अगस्त तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। पहले उपार्जन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन कई किसानों द्वारा स्लॉट बुक करने के बाद भी उपार्जन नहीं हो पाया और कुछ किसान स्लॉट बुक करने से वंचित हो गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कृषि विभाग ने उपार्जन की अवधि 5 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसान हित में लिए गए इस निर्णय पर प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंशाना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा झमाझम का दौर। सीहोर, रायसेन, मंडला समेत 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने शनिवार को सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर समेत 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, श्योपुर और शिवपुरी जैसे 12 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, खंडवा, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, रतलाम, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मैहर और सीधी समेत 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, आलीराजपुर, झाबुआ, नीमच और मंदसौर में भी तेज बारिश की संभावना है।